आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। लखीमपुर खीरी क्षेत्र के बाढ़ ग्रसित ग्रामीणों ने बताया कि आज बाढ़ का पानी स्थिर दिख रहा है, फिर भी कई दिनों से बढ़ रहे जल से शारदा नदी में उफान से परेशान लोगों ने पलायन शुरू रखा है। बाढ़ के कारण आई मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ की तबाही से बेचैन लोग किस तरह जान बचाकर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए पलायन कर रहे हैं, और ऐसे लोग अपनी जिंदगी को तो सुरक्षित कर रहे हैं परंतु भूख की मार से लोगों को मुट्ठी भर अनाज के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लखीमपुर खीरी से रमाकांत दीक्षित की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। कहाँ के निवासी हो? जमुना जंगल में। कहाँ पे रह रहे हो इस समय? इस समय रोड पे, नहर पे पास। क्यों जमुना में क्यों नहीं रह रहे हो? जमुना में वहाँ क्या करेंगे, जमीन जगह इतनी रहा है, घर बकरी हमारा सब टूट गया है, यहाँ रोड पे पड़े हैं। रोड पे पड़े हो। ये शासन प्रशासन की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली? यहाँ तो कुछ सर नहीं मिली है, यहाँ बस ये नहर के किनारे गुजारा कर रहे हैं। अभी सुनने में आया था एसडीएम साहब ने यहाँ पे आकर के जो है राशन वितरण करवाया था। राशन कितना मिला है? 5 किलो मिला है राशन, यही लाई फुला दिया था। और इसमें क्या है? 5 किलो राशन। आपका कितने लोगों का परिवार है? हमारा सर है 10 आदमी का है। 10 लोगों का परिवार है, क्या पर्याप्त है? कितने दिन तक चल जाएगा? ये तो सर चुप गया, यही के जो गाँव के पास में जो कुछ खाना वाना आ जाता है वही खाते हैं। समाज सेवियों द्वारा खाना वगैरह वितरण होता है? समाज सेवियों द्वारा खाना वितरण होता है। यहाँ कौन आएगा खाना, यही आप लोग जो देते हैं वही खाते हैं। मतलब बाहर के लोग दे जाते हैं, प्रशासन तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं आता, प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद नहीं। राशन दे गए थे, हफ्ता हो गया होगा। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण गौतम है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम जमुना जंगल नंबर 7 का निवासी हूँ। इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस वक्त मैं नहर पर रह रहा हूँ। क्या समस्याएं हैं? मेरा घर, मेरी जमीन सब मेरी नदी में कट गई। शासन प्रशासन से आपको कोई सहायता मिली? एक तरपाल मिला था, 5 किलो राशन मिला था, वो भी घर के लिए, परिवार के लिए पूरा नहीं है, एटीएम का था वो। फिर उसके बाद में आप? ना ही तो कोई काम मिल रहा है, हमारे बच्चे हैं जो परिवार लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिलता तो वो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से पूरी मदद चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु खन्ना। कहाँ से हैं आप? सर हम लोग भीरा से हैं, मेन मार्केट से। हम लोग यहाँ के रहने वाले, मतलब भीरा के रहने वाले हैं। यहाँ जब हम लोग देखा थे भी आपका आई हुई है, बाढ़ का डाल इतना हुआ है, तो हम लोगों से रहा नहीं गया, तो हमारी जो यूनिट फ्रेंड सर्किल वगैरह थी, हम लोग सब लोगों ने मिलकर कल भी तहरी का भोज किया था, आज फिर किया है, और कल भी पूरी सब्जी की व्यवस्था है। ईश्वर ने चाहा, शासन ने दिया, तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 10-5 दिन, जब तक व्यवस्था होती रहेगी। अब कोशिश रहेगी कि ये सिलसिला हमारा चलता रहे। क्या पूछना चाहते हैं, यहाँ शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों को कोई भी सुविधाएं? जहाँ तक मैंने यहाँ लोगों से पता किया है, किसी की तरफ से कोई भी बता रहा है कि कोई प्रशासन शासन तरफ से कुछ नहीं, ना कोई नल लगवाए गए हैं, ना कोई हैंड मतलब ना हैंडपम्प लगा हुआ है, ना शौचालय व्यवस्था है, ना यहाँ कोई जो है सौर ऊर्जा लाइट की कोई व्यवस्था है, कुछ भी किसी प्रकार कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन की तरफ से राशन वगैरह इन लोगों को वितरण किया गया? हाँ, बता रहे हैं लोग कि यहाँ जो है 5-5 किलो चावल दिए गए थे, पर 5 किलो भैया कितना चलता है? किसी परिवार 10 आदमी की संख्या, किसी 8 आदमी की संख्या है, जो खाली बस वही है कि जीरा मुँह में आया और कुछ नहीं है। ऊँट के मुँह में जीरा।